इतना बेईमान है। नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिछले गांव की बात कर रहा हूं। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान है, क्रोध कर रहा है और उससे बोलो भाई साहब आप क्रोध क्यों करते हो, तो कहता कौन क्रोध कर रहा है। क्रोध करता जा रहा है पर उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है। अध्यात्मविदों ने कहा, अध्यात्मविदों ने कहा स्वीकृति का नाम प्रतिक्रमण है। जैन शास्त्रों में शब्द का महत्वपूर्ण उल्लेख हुआ प्रतिक्रमण समय। स्वीकृति दो, मुझे क्रोध आता है, मुझे लोभ परेशान करता है, मेरे मन में छल कपट है, क्योंकि मेरा अपना मानना है आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। आदमी सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, दिखाता है कुछ, देता है कुछ, होता है कुछ, दिखता है कुछ। आदमी का मन टेढ़ा है, आदमी का मन टेढ़ा है। घर पे मेहमान आते हैं तो मुख कुछ बोलता है, मन कुछ बोलता है। घर पर मेहमान, मेहमान चार तरह के होते हैं, मेहमान चार तरह के होते हैं। एक वो जो जल्दी आए जल्दी जाए, दो वो जो देर से आए देर से जाए, तीन वो जो देर से आए जल्दी जाए, चौथे वो जो जल्दी आए देर से जाए। सबसे अच्छे मेहमान कौन से होते हैं बोलो? मेहमान चार तरह के होते, सुन लीजिए। एक वो जो जल्दी आए जल्दी जाए, दो वो जो देर से आए देर से जाए, तीन वो जो देर से आए जल्दी जाए, चार वो जो जल्दी आए देर से जाए। सबसे बढ़िया मेहमान कौन से, सबसे बढ़िया मेहमान कौन से, सबसे बड़े मेहमान, बढ़िया मेहमान कौन से, जो देर से आए। सबसे बढ़िया मेहमान उसको माना जाता है जो देर से आए और जल्दी जाए। घर में मेहमान आते हैं, मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है, मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है। घर में मेहमान आए, मुख बोलता है आपके आने से इस घर में चार चांद लग गए, और मन बोलता है कमबख्त आज ही आना था, सारा प्रोग्राम मट गया, मैट हो गया। मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है। ये जो संगति है, भगवान महावीर ने दुनिया के लिए अपने संदेश में कहा कि ये जो मुख और मन के बीच में विसंगति है, ये खाई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरी करने वाली खाई हुआ करती है। इसलिए आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगी है, लोग सोचते हैं कि हमारी झोपड़ी में आग थोड़ी ना लगी है, उसकी झोपड़ी में आग लगी है। आदमी निश्चिंत तो हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो आग वहां से चल करके तेरी झोपड़ी तक आने वाली है। वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति ने इस बात पर विचार किया, सारी दुनिया को एक कुटुंब माना, एक परिवार माना, और ये विचार किया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।